top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ये सबसे लंबी फ्लाइट है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्लाइट इन द मिनिमम टाइम, मतलब कि 15,140 किलोमीटर की दूरी हमने 14 घंटे 30 मिनट में तय करी। जो दूसरी एयरलाइन अभी एडवर्टाइज कर रही है की दूरी है 14 घंटे 30 मिनट जी, दूसरी एयरलाइन इसकी एडवर्टाइज कर रही है कि ये हम इससे लंबी फ्लाइट करेंगे और ये दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट होगी। वो जब करेंगे तब करेंगे, हमने ऑलरेडी कर दिया, उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी टूट चुका है जो वो बनाने वाले हैं। और आते समय कितना था डिस्टेंस? आते समय हमारा डिस्टेंस आते समय डिस्टेंस कम है, 14,000 किलोमीटर के टाइम ज़्यादा है, 15 घंटे 20 मिनट था। वो अटलांटिक के ऊपर से था, हमने प्रशांत महासागर और अंध महासागर दोनों के ऊपर से उड़ान भरी और पूरी दुनिया के चक्कर मार के आए। और ये हमारी रेगुलर फ्लाइट होगी, मतलब हर दिन की फ्लाइट होगी अगले 6 महीने तक। हाँ, वही मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, क्योंकि हमने बात की थी पहले, जो हमने स्टोरी की थी वो DGCA से की थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी हमें विंटर में टेल विंड मिलेगा जी। बट वही मैं जानना चाहता था कि 6 महीने बाद रूट चेंज होगा ना, क्योंकि उस समय फिर हेडविंड मिलना शुरू हो जाएगा। रूट चेंज होगा या फिर तब तक हम लोगों ने इतनी जानकारी हासिल कर ली होगी कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम अटलांटिक से दोनों फ्लाइट कर सकते हैं या प्रशांत महासागर से भी दोनों फ्लाइट कर सकते हैं, और या कुछ हम नए रूट निकालेंगे उसमें हमारे CMD और हमारे DO साहब हम लोग को जब नए रूट के बारे में हम लोग को बोलते हैं।